मीठे का तोता। एक वक्त की बात है, रोना पीटना नामी गांव में एक आमिल बुजुर्ग रहता था जिसके पास एक तोता था। उसका तोता लोगों के मुस्तकबिल के बारे में बताता था कि उस बंदे के साथ क्या होने वाला है। वो बुजुर्ग उस तोते को एक दरख्त के साथ जगह पर लेकर बैठ जाता था और लोग उसके पास आकर हिसाब लगवाते थे। बाबा जी मेरी नौकरी नहीं लग रही, अपने तोते से कहकर मेरा हिसाब लगवाओ, मेरी नौकरी कब तक जाएगी। अच्छा बेटा, अभी हिसाब लगवाता हूँ, पर बेटा मेरे हिसाब करने की फीस पूरे 500 रुपए है, अगर हिसाब लगवाना है तो बताओ। बाबा जी मेरी नौकरी नहीं है, मैं 500 रुपए कहाँ से दूंगा, आप मेरा हिसाब लगवाओ, फिर जब मेरी नौकरी हो जाएगी तो मैं आपको 500 रुपए या 1000 रुपए दूंगा। ना बेटा, इस तोते के बहुत लखने हैं, अगर इसे हिसाब लगवाने से पहले पैसे ना मिले तो गुस्से में ये गलत हिसाब लगाता है और फिर लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। तुम एक काम करो, घर जाकर 500 रुपए ले आओ। ओ बाबा जानी शुक्रिया है आपका, जो आपने मुझे बता दिया, मैं अभी घर जाके पैसे लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और अपने घर आकर अपनी माँ से 500 रुपए मांगता है। बेटा तू पागल तो नहीं हो गया, ये आमिल बुजुर्ग बहुत फरादी होते हैं, झूठ बोल कर लोगों से पैसे बटोरते हैं। नहीं अम्मी जान, मैंने हिसाब आमिल बुजुर्ग से नहीं लगवाना बल्कि उनके तोते से लगवाना है, उनका तोता बहुत पहुंचा हुआ है। कहाँ, साउथ अफ्रीका के जंगलों में तो नहीं पहुंचा हुआ? ओ बेटा ये चक्कर छोड़ दे, जाकर नौकरी तलाश कर। अम्मी जान आप मुझे 500 रुपए दो, मुझे कुछ नहीं पता, उन बुजुर्ग से जाकर हिसाब लगवाऊंगा, नौकरी पर लग जाऊंगा। तो ऐसे नहीं मानेगा, जा मेरी अलमारी से 500 रुपए निकाल। ये सुनकर बिट्टू खुश हो जाता है और अलमारी से 500 रुपए निकाल लेता है और उस बुजुर्ग के पास चला जाता है। वो बुजुर्ग भी उससे 500 रुपए लेकर खुश हो जाता है। लो बाबा जी मैंने आपको 500 रुपए दे दिए हैं, अब मेरा हिसाब लगवाओ, अपने तोते को कह करो। हाँ हाँ बेटा तू नीचे बैठ जा, मैं अभी तेरा हिसाब लगवाता हूँ। फिर वो बुजुर्ग तोते को कहता है, तोते आ गए है इसके पैसे, क्या कहती है तेरी किताब, जरा लगा दे इसका हिसाब, तब तक मैं करके आया पेशाब। ये कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से चला जाता है। बिट्टू हैरान होकर उसे देख रहा होता है कि वो उससे पैसे लूट कर ले गया है। बाबा जी रुक जाओ, मेरा हिसाब लगवाओ, फिर पेशाब करने जाना। और बेटा चुप करके बैठ जा, ये मेरा हिसाब लगवाने का तरीका होता है, मैं अभी आता हूँ और फिर तुझे बताता हूँ। बिट्टू तोते को देख ही रहा होता है कि थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग वापस आ जाता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। फिर वो तोता उड़कर उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके कान में सारी बात बता देता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, तोते ने तुम्हारा हिसाब लगा दिया है। बाबा जी मतलब मेरी नौकरी पक्की हो गई है? नहीं बेटा, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी बल्कि तुम्हारे पास बहुत पैसा आने वाला है। बाबा जी नौकरी नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा? ये एक राज है, तू जा और अमीर होने की तैयारी कर। ये सुनकर बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और सोच रहा होता है कि उसके 500 रुपए जाया हो गए हैं। तभी उसे जमीन पर 5 सोने के सिक्के नजर आते हैं। ये क्या, ये तो सोने के सिक्के लग रहे हैं, इसका मतलब बाबा जी के तोते ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं अमीर होने वाला हूँ। आई लव यू बाबा जानी। बिट्टू वो सोने के सिक्के उठा लेता है और घर जाकर अपनी माँ को दिखाता है। देख लो अम्मी जान, 500 रुपए के पीछे हमें 5 सोने के सिक्के मिल गए हैं। मैंने कहा था ना बाबा जानी का तोता बहुत पहुँचा हुआ है। बिट्टू अपनी माँ के साथ बातें कर रहा होता है और खिड़की में खड़ी नसीबो कैंची ये सब सुन रही होती है। हाय मिठे हो गया तेरा भाई, अमीर हो गया मिठे। ओ खैर तो है, तुझे क्या पागलपन के दौरे पड़े हुए है,
आराम से बता क्या बात है। मिठे मैंने खिड़की से सारी बातें सुन ली है। तेरा मोटा भाई एक बुजुर्ग के तोते से हिसाब लगवा के आया है और फिर उसे जमीन से 5 सोने के सिक्के मिले हैं। क्या बात कर रही है तू, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तोते से हिसाब लगवा के आया है, जा जा के अपने कान का इलाज करवा के आ। मिठे तेरी गंदी ज़हनियत की कसम मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आँखों से अपने मैल भरे कान से सुना है। इसका मतलब हमें भी उस तोते वाले बाबे के पास जाके हिसाब लगवाना पड़ेगा। निकाल फिर 500 रुपए। नहीं मिठे, 500 रुपए नहीं, 1000 रुपए। उस मोटे को 500 रुपए से 5 सोने के सिक्के मिले हैं, हमें 1000 रुपए से 10 सोने के सिक्के मिल देंगे। अरे वाह बेगम, जवाब नहीं तेरे दिमाग का। फिर वो दोनों 1000 रुपए लेकर बाबा जी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें तोते से हिसाब लगवाने का कहते हैं। तोते आ गए हैं इनके पैसे, क्या कहती है तेरी किताब, जरा लगा दे इसका हिसाब, तब तक मैं करके आया पेशाब। ये कहकर वो बुजुर्ग चला जाता है। मीठा और नसीबू कैंची तोते को देखते रहते हैं और थोड़ी ही देर में बुजुर्ग वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और तोता उसके कान में सारी बात बताता है। हाँ बाबा जी, क्या कह रहा है ये तोता? बेटा इतनी कोई खास बात नहीं है, तोता बता रहा है एक वक्त आएगा जब तुम्हारा अपना कारोबार होगा। अरे वाह बाबे, उस मोटे बिट्टू को तो 5 सोने के सिक्के दिलवा दिए और मुझे कारोबार पे टरखा रहा है। आराम से तोते से पूछ कहाँ है सोने के 10 सिक्के। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा तोता झूठ नहीं बोलता, जो सच है बता दिया है। आगे तुम्हारा अपना कारोबार होगा, अब शाबाश, यहाँ से चले जाओ। कोई बात नहीं बाबे, तूने मेरे 1000 रुपए खाए हैं, मैं इस चीज का बदला लेकर रहूँगा। ये कहकर वो दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। मिठे बाबा तो बहुत चलाक और चक और चौबंद निकला, 1000 रुपए खा गया, डकार भी नहीं मारी। और बेगम, इस बाबे की सारी डकारे निकलवाऊंगा, बहुत देखे है मैंने इस जैसे खफ्ती बाबे। मिठे तू क्या कर बे बेगा? बेगम इसने कहा था ना कि मेरा अपना कारोबार होगा, मैं अब इसके तोते से ही अपना कारोबार शुरू करूंगा। मैं आज रात को ही उसका तोता उठा कर आ जाऊंगा और लोगों से हिसाब लगवा कर खूब पैसा बनाऊंगा। वाह मिठे, जवाब नहीं तेरे दिमाग का, फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर जब रात होती है तो मीठा ढूंढते ढूंढते उस बाबा जी के घर पहुंच जाता है और उसका तोता उठा लेता है और वापस अपने घर आ जाता है। नसीबो कैंची उसके हाथ में तोता देखकर बहुत खुश होती है। फिर मीठा अगले ही दिन वो तोता लेकर एक जगह पर बैठ जाता है तो दो आदमी उसके पास आते हैं। बाबा जी तोते से कहकर हमारा हिसाब लगवाओ। ठीक है, पर हिसाब लगवाने के 1000 रुपए लगेंगे। वो आदमी उसे 1000 रुपए दे देता है और मीठा कहता है, ले भाई तोते आ गए हैं तेरे पैसे, क्या कहती है तेरी किताब, जरा लगा इनका हिसाब, तब तक मैं करके आया पेशाब। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और एक दरख्त के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ तोता उड़कर उस आदमी के कान में उसका हिसाब बताने लग जाता है। मीठा खुश होता है कि अब उसका कारोबार खूब चलेगा। फिर जब वो वापस आता है तो वो दोनों आदमी उसे डंडे से खूब मारते हैं और उससे 1000 रुपए लेकर वापस चले जाते हैं। मीठा तोता लेकर घर आ जाता है और अपनी बीवी को बताता है। ये क्या मीठे, ये तो बहुत अजीब बात हुई, इन्होंने तुझे डंडे से भी मारा और पैसे भी वापस नहीं किए। हाँ बेगम, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। जरा मीठे इस तोते से हिसाब तो लगवा, क्या हिसाब करता है ये। फिर मीठा तोते को बुलाता है और वो उसके कान में आकर हिसाब बताता है तो मीठे को बहुत गुस्सा आता है। मीठे क्या कह रहा है ये तोता? ओ बेगम, ये तो माँ बहन की गालियाँ निकाल रहा है। फिर तोता उड़कर वापस अपने घर आ जाता है और मीठे को सजा मिल जाती है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।